आपको मैं आर्य बजाकिया साहब का ट्वीट दिखाना चाहता हूँ, और उन्होंने जब ये वीडियो डाली और मीडिया ने भी हमारी उठाई, तो मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगा आपको और वो वीडियो भी दिखा दूंगा, और थोड़ी सी भाषा में उनकी समझ में भी आ रहा है कहना क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जो भी मुझे पाकिस्तानी देख रहा है वो मुझे कन्फर्म कर सकता है, जब डिगिंग हो रही थी, जब खुदाई चल रही थी, वो आदमी अपना घर बनाने के लिए खुदाई उदाई करा रहा था जो भी सीन है, तो वहाँ पर बुद्ध की, गौतम बुद्ध की मूर्ति मिली, काफ़ी बड़ी मिली, काफ़ी सही मिली। उन्होंने कहा कि जल्दी से तोड़ दो, अगर तुम नहीं तोड़ दो तो वो नरक में जलाया जाएगा, और तोड़ने वाला सीन वीडियो में भी है। मैं इतना समझ रहा हूँ, ये लोग हम लोगों को कुछ समय, जब भी आता है ऐसा, जब यहाँ के कुछ हिपोक्रिट्स मुसलमान रोते रोते सोशल मीडिया पे तांडव करते हैं, तो पाकिस्तान से बहुत याद आता है कि इंडिया का सेकुलरिज्म ख़राब हो रहा है, डेमोक्रेसी ख़राब हो रही है, सब खतरे में। पाकिस्तान यहाँ के मुसलमानों के लिए बहुत रोता है, सेकुलरिज्म ख़राब हो रहा है। तो अब जब ऐसी हरकतें पाकिस्तान से बाहर आती हैं, तो यहाँ वाले क्यों नहीं एक सुर में बोलते कि वहाँ पे माइनॉरिटी का, उनके बिलीव्स का, उनके फेथ का, उनके मूर्तियों का, उनके आइडल्स का क्या हाल है। अब ये नेपाली, चाइनीज़, ये जितनी बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं सो कॉल्ड, क्योंकि नेपाली, नेपाल को मैं बुद्धिस्ट कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे वो है हिंदू कंट्री, लेकिन बुद्धिस्ट कंट्री इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वीडियो पर आजकल बहुत लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि मोदी जी ने ये कैसे बोल दिया गौतम बुद्ध इंडिया में बॉर्न हुए थे, तो उसके जवाब में अगर ओली ने बोल भी दिया तो क्या गलत कर दिया। खैर, वो एक बड़ी डिबेट का हिस्सा है कि गौतम बुद्ध कहाँ जन्मे थे, और उन बेवकूफ़ों ने पता नहीं कौन सी हिस्ट्री पढ़ी है, उस पर मैं अभी बहस नहीं करूँगा, बाद में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। खैर, अगर मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है और बिल्कुल मेरा रिप्लाई करे कि ये तुम्हारे यहाँ कब से चलता आ रहा है, कब जाके रुकेगा, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। और दूसरे की रिच कल्चर, तो मैं देख रहा हूँ वो मूर्ति को तोड़ रहा है वो, और दो तीन बार में उसको ढंग से कुछ टूट तोड़ पाया नहीं, बहुत समय से तोड़ रहा है, इसलिए वीडियो थोड़ी देर बाद ही रिकॉर्ड हुई है, लेकिन जब वीडियो में तोड़ना स्टार्ट किया उसने तो हथौड़ा मार जरूर है, लेकिन वो मूर्ति टूट नहीं रही है। तो ये सबूत था कि उस समय कितने किस तरीके से मूर्ति को बनाया गया होगा, किस टेक्नोलॉजी से कह लो, किस मेहनत से कह लो, किस पत्थर से कह लो, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वो मूर्ति थी पहली चीज़ तो तोड़ना ज़रूरी था। दूसरा, रिच कल्चर से एक चीज़ होती है ना, जैसे आप जले पे नमक छिड़क देते हो, तो उनके जले पे रिच कल्चर एक नमक की तरह काम करता है, नमक नहीं, लाल मिर्च की तरह, तो उससे नफ़रत होती है, चिढ़न होती है, हम देख ही नहीं सकते, उनको ये पच ही नहीं पाता है कि हमारे अलावा कोई और सभ्यता कभी थी, हमसे कई हज़ार साल पहले से थी, आगे भी होगी, इनका समय कयामत के समय पर ख़त्म हो जाएगा, वो निकल जाएंगे, पाकिस्तान का वजूद तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, खैर कयामत से पहले, और शायद वही उनके लिए कयामत का दिन होगा, तो उनको ये नहीं पछता है। वो जो मेरी कोई पाकिस्तानी कोई सेंसिबल पर्सन देख रहा हो, उसको एक बार रुक के एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ये बेवकूफ़ियाँ कैसे होने देते हैं। अगर हम बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, जैसे कि बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम उनको ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान को मिलकर बात करनी चाहिए वगैरह, तो ये सब चीज़ें बंद नहीं करोगे ना। अब देखो, पाकिस्तान ने अरेस्ट किया है, चार लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन कुछ नहीं होना है, जज भी कहेगा भाई क्या बात, मतलब एक दूसरे को लोग कैसे फेस करेंगे कि हमने अरेस्ट कैसे कर लिया, ये तो हमारा एजेंडा है, ये तो हमारी वो है ना, वरना पाकिस्तान में हर वो चीज़ें थी जो इंडिया में होनी चाहिए थी, जो कट के चला गया जब, तो उसको तो बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय किया गया, तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी, अब अचानक सोचते हैं क्या छोटी सी बात के लिए अरेस्ट कर लिया, ये तो हमारे बुक किताब का हिस्सा है, तो बस किताब फॉलो कर रहे थे, फिर जी किसी को नर्क में थोड़ी जाना है, तो छोड़ दी जाएगा, बेल मिल जाएगी। और जितने भी अपने आप को बुद्धिस्ट कंट्री कहते हैं, जो बुद्ध के मानने वाले हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़ोर से चिल्लाते हैं कि पाकिस्तान के कान के पर्दे फट जाएँ, और चाइना को तो सबसे पहले आग लगनी चाहिए, चाइना को आग लगनी चाहिए, चाइना को, जापान को, जितनी बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, थोड़ी बहुत नेपाल में भी चिंगारी तो जलनी चाहिए। खैर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।